नमस्कार मित्रों, मैं हरिओदन चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सबको सुबह की राम राम। आज का दिन 30 अगस्त 2021 सोमवार। आज का सूर्योदय का समय सुबह 6:21, सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। मित्रों, आज की चंद्र राशि होगी वृषभ और नक्षत्र होगा कृतिका। तो मित्रों, अब देखते हैं आज की राशियाँ। शू तमें डॉक्टर ने रिपोर्ट कराने कंटाड़ी गया छो? तो चालो जाणीए आपणे आपणी जन्मकुंडळीथी आपणने कयो रोग थयो छे અથવા થવાની સંભાવના, તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? જો કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબ નો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ના લાલ કિતાબ ના ઉપાય થી ચાલો બનાવીએ આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરોથી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। मेष राशि, मेष राशि वाले को आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा शुभ समाचार आएगा और उनके कार्यों में बढ़ोतरी होगी और इनको प्रमोशन की स्केल मिलने वाली है। वृषभ, वृषभ राशि वाले को बिजनेस में अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो मित्रों, जब सफलता आती है तब अपना ध्यान होना चाहिए, अगर आप बेध्यान हुए तो सफलता आपके हाथ से निकल जाती है, तो अपना ध्यान जरूर बनाए रखना। मिथुन, मिथुन राशि वाले को भी आज सचेत रहना है। मित्रों, आज आपके पास भी सफलता आने वाली है लेकिन इसमें कुछ न कुछ रुकावटें दिखती है, तो आज संभल कर सजाग सचेत रहकर इसका सामना करें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले को आज कुछ फैमिली प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मित्रों, फैमिली प्रॉब्लम हमेशा अंदर घर के अंदर सुलझाए जाते हैं, तो घर में बैठ के इसका सोच समझ कर निपटारा करें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले को आज अपने भाई भांडू से तकलीफ होती हुई दिख रही है, तो मित्रों इस पर आपका अपना ध्यान होना चाहिए। मन मुटाव कभी होता है तो आमने सामने बैठकर इसको समझ लें और इसमें से बाहर निकलें। कन्या, कन्या राशि वाले को आज प्रॉपर्टी के मामले में कोई रुकावटें आती हुई दिख रही है, तो मित्रों ऐसी कोई बात है तो किसी अच्छे एडवोकेट्स या किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर इस पर आगे चलें। तुला, तुला राशि वाले को आज दिन अच्छा। मित्रों, आज आपकी संतान पढ़ाई में अव्वल आएगी, आगे जाएगी, कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई में अव्वल आना बहुत ज़रूरी होता है, जो आज आपकी संतानों को मिलने वाला है। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वाले को फिजिकली फिटनेस में कमी आती हुई दिख रही है, तो मित्रों खाने पीने में ध्यान रखें और भागदौड़ कम करें। धनराशि, धनराशि वाले को आज व्यापार में बहुत अनुकूलता मिल रही है। मित्रों, आज आपके व्यापार में जो भी रुकावटें जो तकलीफें थी वो आज कम हो रही है और अपना व्यापार आप आज ठीक कर पाओगे। मकर, मकर राशि वाले को आज फाइनेंशियली मैटरों में फ़ायदा होता हुआ दिख रहे हैं। मित्रों आज आप अच्छा व्यापार भी कर सकते हो और आगे भी जा सकते हो। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले के लिए आज व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। अगर आपका व्यापार चल रहा है और कोई नया काम करने की सोचते हो तो आज आप ये काम शुरू करो, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि वाले को आज कुछ नए काम में रुकावटें दिखती है। मित्रों, कोई नया काम करने से पहले सोच समझ कर पूरी तरह चेक करके आगे बढ़ना। मित्रों, आज का सुविचार, आज का सुविचार, मित्रों मुश्किली जब बढ़ती है जीवन में तब आदमी अपने आप की भी पहचान कर लेता है और यही समय होता है अपने आप को पहचानने का। मित्रों, आज की वैद्य की सलाह, आंवले के चूर्ण में घी और गुड़ ये मिला के इसकी गोली बना के अगर आप खाते हो तो आपकी पेशाब की तकलीफ दूर होती है। तो मित्रों अब समय हुआ है आज के उपाय का। मित्रों, आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए सफलता साथ साथ चलेगी। तो मित्रों, मैं हरिओदन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे कल सुबह इसी चैनलों पर सुबह 6 बजे। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।